अस्सलाम वालेकुम। हम आज, मुझे मेरी अम्मा ने बहुत क्या गैरत दिलाई है और हमने रियलाइज़ किया कि हम दोनों को स्किन केयर शूट करना चाहिए। अम्मा ने अभी शूट पे जाना है तो हमने सोचा कि हम एक स्किन केयर वीडियो शूट करें क्योंकि हम बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना अपनी, और हम दोनों भी स्किन केयर का बहुत खास ख्याल रखते हैं, सो इसलिए हमने सोचा है कि हम स्किन केयर करें। सो सबसे पहले अम्मा मुझे बताएं आपकी स्किन केयर। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुंह धोएं। हाँ, मुंह धो लें। नेक्स्ट, साबुन से धोएं? नहीं नहीं, मैं तो खाली पानी से धोती हूँ। आज तक मैंने साबुन, बता दूँ सच्ची सच्ची बात है? हाँ सच सच्ची, मैंने ये अनफिल्टर्ड स्किन केयर रूटीन है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड। क्योंकि ना कभी जिंदगी में साबुन लगाया, ना मेरी अम्मी ने लगाया और मेरे ब्लैक हेड्स, और ना ही मैंने कोई फेस वॉश कभी यूज़ किया है, और खाली पानी से मुँह धोती हूँ। हाँ, कभी कभी जब मेकअप ज़्यादा फंस जाता है ना, फिर मैं थोड़ा सा स्क्रब कर लेती हूँ 5-6 दिन बाद, ताकि वो पोर्स में से निकल आए। 5-6 दिन बाद स्क्रब कर? हाँ, और वो भी जो है ना, ये वाले नहीं, वो होती है बादाम की खली। मुँह तो रोज धो रही है ना? हाँ, पानी से, बस पानी से। हाँ, कोई फेस वॉश नहीं? भूल जाता है ना, याद नहीं रहता, तो उसके बाद मेरा मुँह ऐसे हो जाता है ना, ड्राई स्किन है तो अकड़ जाता है, तो फिर मैं ना वो लगाती हूँ क्या। अम्मा के पास एक ही स्किन केयर है जो वो लाई है, जिसमें है विटामिन ई ऑयल, बस कुछ भी नहीं और लगाती। तो अम्मा, ये तो हमारा बहुत, मतलब ये तो बहुत कम होगा स्किन केयर। जो मैं करती हूँ, मैं झूठ तो नहीं बोल सकती ना? नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि स्किन केयर में सिर्फ ये नहीं हो सकता। फिर आपके पास जो चीज़ें हैं वो दिखा दो। मैं और रात को सोते वक्त भी मैं ये लगाती हूँ, और सुबह भी ये लगाती हूँ, और बस लगा के शूट पे चली जाती हूँ। और जब मैं जाती हूँ तो जब हल्का सा भी बेस लगाते हैं तो सब कहते हैं आपकी स्किन बड़ी ग्लो कर रही है। तो सच्ची, मैं तो सिर्फ ये लगाती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती। नहीं, लेकिन अभी आप मुझे बताएं ना, क्या मेरे पास तो कुछ है नहीं, बस क्या है इसके पास बड़ी चीज़ें होती है। मेरे पास भी इतनी चीज़ें नहीं है स्किन केयर की। एक मेरे पास सनस्क्रीन है। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं, आप मेरा वाला फॉलो करें आज। बेटा, मेरे मुंह पर फोड़े ही ना निकला नहीं निकले। जी भैया, इसमें हमारे भैया आ गए। जी भैया, ठीक है, हम स्किन केयर शूट कर रहे हैं। आपने कहा था ना कल यूट्यूब पे बनाओ अकाउंट। और ये फ्लॉप ऐसे जानी है क्योंकि हमारे पास चीजें कोई नहीं। चार स्किन केयर है, देख लो जरा, दो चीजें लेके बैठ। हाँ, अभी तो ये यूज कर रही हूँ, फिर देखती हूँ। मेरे पास नहीं है चाबी। अम्मा, बहुत ओवर कर रही हैं। क्या मतलब? मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ, झूठ नहीं आप नहीं, लेकिन आप इतना नहीं, आप बताएं ना कि आप कौन सा चीज़ जो है। मैंने जिंदगी में कभी ये इस्तेमाल नहीं किया, आपने किया, आप बताएं। आपने सनब्लॉक कभी इस्तेमाल नहीं किया? भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता। सनस्क्रीन ना, सनस्क्रीन ने वो कभी मुझे, आप अभी आपने किया ले नहीं, तो फिर करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बहुत दफ़ा ये मेरी बहुत कहती है, ये भी लगाएं, वो भी लगाएं, ये भी करें। हाँ, ये तो सारा बग गया, ये तो उसका तो शोरबा निकला है गर्मी की वजह से, शायद खराब हो गई। नहीं अम्मा, इसको मल लो। मेरे जो चार फॉलोअर्स हैं वो मल लो ऐसे करके, आहिस्ता मलें। मेरे जो चार फॉलोअर्स, आप उनको वैसे ही जो है ना भगा देंगे। जी नहीं, अब मुझे तो ये देखो ना, मुझे बिल्कुल ये बड़ा बुरा लग रहा है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं क्यों भाई, आप ये देखें, ये वाली साइड ठीक है, ये वाली साइड कड़म जा रही नीचे। ए, इसको आप ऐसे ऐसे करें तो ये ऐसे ऐसे करने से क्या ऊपर हो जाएगा? हाँ, आपको नहीं पता, खुदा का वास्ता होता है। आप अपनी स्किन को जब ऐसे ऐसे करके, अच्छा सो हमारा ये हो गया है, हो गया ही, इतना ही लगाना था। हाँ, इतना ही हो गया था, हमारा सन ब्लॉक हो गया, तो इतना ही लगाते हैं। उसके बाद मैंने सुना है कि विटामिन सी सीरम जो है वो लगाते हैं। सुना तो मैंने भी बड़ा कुछ। आपने यूज़ किया है कभी? नहीं। अच्छा, ये लगाया इसको कैसे? इसको भी वैसे, इसको तुपकी तुपकी करके, मतलब जैसे जैसे एक, वो मैंने तो उसको ऐसे मल लिया था, जैसे क्रीम मल, चार पाँच, इससे क्या होगा? I don't know. I've heard कि कुछ होता है। अच्छा, सुना ही है भाई। वैसे मुझे ना यकीन कोई नहीं किसी चीज़ पे। ये देखिए, एक शाइन आ रही है। शाइन तो बेटा वो गीला था इसलिए आ रही है। अच्छा अम्मा, हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी हमने जो ट्यूटोरियल देखा है जिसमें वो
लोग गर्दन पे भी लगा रहे थे। गर्दन तो अच्छा, गर्दन तो दे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ये आमतौर पर होता है, गर्दन काली रह जाती है। लगाए ना गर्दन रह जाती है। अच्छा ये वैसे मुझे ये बताओ कि ये हर वक्त करना पड़ेगा? अम्मा यही तो बात है कि हर वक्त करना पड़ता है, हर वक्त करने से ही तो होता है। फिर ही नहीं जाते और ये कह रहे हैं कि कहते हैं कि अपवर्ड भी करें। हाँ अपवर्ड करें सो दैट वो आपका वो हो, क्या हो मतलब आपकी स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो डाउन नहीं हो। ये जो आप कह रहे हैं ना एक साइड नीचे एक साइड ऊपर, बेटा वो तो मैं बूढ़ी हो रही हूँ इसलिए हो रही हूँ, खुदा का वास्ता आपकी तो नहीं हो रही। बात है कि देखो एक तरह से मैं ये मेरे ब्लैक हेड्स कितने हैं वो और बात है। ये देखिए ये लाइंस, अरे ये तो नेचुरल होती हैं। अब हमारे लाइंस, हाँ तो ये तो नेचुरल है ना आपकी उम्र में। देखो मेरी भी है लेकिन इस वक्त लाइट अच्छी इसकी भी नजर नहीं आ रही, लेकिन ये देखो लाइट कहाँ से अच्छी है, ये अच्छी है लाइट अच्छी है बोले तो नहीं। ये देखो ना मेरी ये लाइन ये कैसी जाएगी इससे, ये बताओ जरा मुझे। इससे नहीं जाएगी ना, इसी डॉक्टर से जाएगी वो तो। अच्छा फिर एक और भी है। अच्छा ये क्या है? हाइलुरोनिक एसिड, वो क्या होता है? प्लस नाइसिनमाइड, मैंने भी सुना है, पता नहीं सुना है कि इससे क्रिस्टल क्लियर स्किन आ जाती है। इट्स अ रिफाइनिंग सीरम। अच्छा कहाँ फ्रॉम वेयर वो हम नहीं बता सकते क्योंकि एक तो हम प्रोडक्ट्स को शेयर नहीं कर सकते और हमारे पास जो है वो है भी बहुत कम। उसको भी ऐसे तेल की तरह मलना? नहीं नहीं अम्मा तेल की तरह नहीं मलना, उसको तुपकी तुपकी तुपकी। अब मैंने ऐसे लगा लिया तेल की तरह। मुझे आई रियली थिंक आई नीड टू इन्वेस्ट इन मोर स्किन केयर। बेटा रुको पहले देखो होता क्या है, अभी पैसे ना लगाए जाए। ये तो कब से लगा रही हूँ, इससे कुछ नहीं हो रहा तो बस तो इसलिए तो कह रही हूँ तो फिर कुछ नहीं हो रहा तो फिर नहीं तो फिर मैं कुछ नया लूँ। फिर आप मलाई लगाओ, अम्मी लगाती थी मान से बड़ी मीठी दूध की मलाई जो है ना उसके अंदर जरा सा लेमन बड़ी मी किसकी देखी थी छोटी बड़ी अम्मी की और बड़ी अम्मी की मतलब मेरी अम्मी और मेरी खाला वो लोग मलाई लेके उसके अंदर थोड़ा सा लेमन डालती थी ड्रॉप और वो लगाती थी। और उससे क्या होता था चमकती हुई स्किन। अम्मा वैसे इस वक्त हम बेहतर लग रहे हैं फ्रॉम द मोमेंट जब हमने स्टार्ट की थी ना वीडियो, उससे तो बेहतर लग रहे हैं। अगर मैं नहीं मानती क्योंकि अच्छा एक और चीज़ है मेरे पास हो गया रिफ्रेशिंग आई क्रीम टू ब्राइटन एंड डीप अप मेरे जो हल्के ठीक हो जाएंगे अंडर आए हल्के हल्के। आपने मुझे पहले भी दी थी कख नहीं हुआ उससे मान से हाँ कुछ भी नहीं हुआ, बड़ी मैं शौक से लगाती थी। एक मिनट ना वो हनी था कुछ उसके अंदर जरा जो मैं जाती हूँ बाहर तो मैं चीज़ें लेके आती हूँ। वैसे तो मुझे बिल्कुल स्किन केयर का आइडिया नहीं कि क्या इसको सिर्फ खरीदने का शौक है अगर थैले भर के फिर मैं इनको देती हूँ और फिर ये उसमें से लगाती है और फिर अब ये मुझे रिव्यू में ये कह रही है अम्मा ये देखें क्या ये देखें इसके अंदर वो बेस है। बेस नहीं है वो कह रहे हैं कि ये आपको डीप अप करता है अंडर आई ब्राइटन करता है। कौन कह रहा है नाम नहीं बता सकती बताएं। कुछ नहीं हुआ मेरी वैसे काले के काले आए आ गया है वैसे ही बिल्कुल ये देखो काली हल्के। अच्छा नेक्स्ट हो मेरे कपड़ों पर भी गिर गया अब क्या है कोई एक और एक बारी बोतल बड़ी गोल में तोड़ के आई थी। ये है मॉइस्चराइजर इसका नाम है डीप हाइड्रेटिंग एंड बैरियर रिपेयरिंग फॉर्मूला। अब ये पहले लगाना है या बाद में लगाना था हमें ये भी नहीं पता ना कि किसका वो क्या है एक पंप एक अम्मा मुझे लग रहा है इस लगा के और फिर उसके बाद हम पसीने में और गर्मी में ना मैं वो एक बात मुझे की याद है कि जब खाना बना गर्दन पे भी अच्छा अपवर्ड अपवर्ड खाना जब बनाते हैं ना तो उसमें जब सब चीज़ें बाबा बनाते हैं ना तो खाना उसमें हम गरम मसाला तो पता नहीं क्या 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 डालते हैं तो वो कुछ तो बन ही जाता है। अम्मा अपवर्ड अच्छा अपवर्ड कैसे मेरे लिए ऐसा लगा अम्मा देखें नहीं होगा अम्मा फर्क तो पड़ रहा है सरा जो फर्क पड़ रहा है अम्मा पड़ रहा है देखो मैं इससे जवान बिल्कुल नहीं हो सकती अम्मा वी हैव नो स्किन केयर तो अब कर लिए नहीं बट हमें कुछ पता नहीं हमने बस जो पढ़ा था अब शाम तक लगाना वो तो पहले लगाया हमने कि नहीं हाँ वो सबसे पहले हमने सुबह लगा दिया लगा लिया था बात ये कि वैसे वो ही ठीक था सर अगर शाम तक तो मुझे इतना चिप चिप कर भी अगर शाम तक मैं जवान ना देखना जरा नो दिस इज एन एवरीडे थिंग यू हैव टू डू इट एवरीडे ये 5 मिनट की बात नहीं है बड़ी ताकि जो की रोज लगा लगा के कौन लगाए भाई मुझे तो याद ही नहीं रहता शुक्र अम्मा हाँ क्या फर्क पड़ा है
अम्मा वहां से लाइट आ रही है, हम क्रीम में इतनी थोप ली है इसलिए। अम्मा पहले कोई मेरा दाग तो ऐसा कैसे ही है? नो नो नो, जो पहले था हाय मुझे लाल लाल हो गया, एलर्जी लगता हो गया आपको? एलर्जी शिट। ओके सो फाइनली मेरा मुंह तो देख लो भाई, मेरा मुंह तो ठीक है। ये देखो मुझे एलर्जी होगी इसलिए होगी कि मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं लगाया। क्या ये देखो लाल 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 लाल? अम्मा नहीं पता, ये एलर्जी नहीं हुई है, ये अभी थोड़ा आपका वो हुआ है, हाइड्रेटेड जो भी कह रहे हो, लेकिन मेरा मुंह मुझे तो लग रहा है खुजली भी शुरू होगी। सीरियसली मुंह धोना पड़ेगा? अच्छा मेरा भी ठीक है, इसका मतलब मेरी ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, खुजली बड़ी जिंदगी में कभी कुछ इस्तेमाल नहीं किया। तो ये देखो ना, ये देखे ये, बट शाइन तो कर रही है हमारी स्किन। जब करोड़ चीजें लगेंगी तो चमक तो आएगी भी, धोंगी मुंह तो चिप 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 हो रहा है। तो इसका एंड कंक्लूजन क्या है? विटामिन ई ऑयल भी दोबारा लगा ले ना? बस वही है, मैं तो मुंह धो के लगाऊंगी वही। हमारे सारे स्किन केयर का फायदा क्या हो अगर आपने एंड में मुंह धोना है? नहीं ना, अब जिसने करनी कर ले, किसने नहीं करनी ना करे, हमारा तो यही है। मुझे तो लगता है कि मुझे यार मेरा तो मुंह पे लाल ही हो गया सारा, ये देखो। हाँ आपकी एक्चुअली रैश हो गई, अब आप जाएं और जाके इसको मुंह को धोएं और फिर हम वापस नॉर्मल अपना ये ऑयल लगाऊंगी। सो गाइस दिस मींस दैट वी आर वेरी बैड एट स्किन केयर, डू नॉट फॉलो अस। जब तक आप अपनी स्किन पे टेस्टिंग नहीं कर लेते तब तक आप नहीं डिसाइड करेंगे अपने, यानी कि आपने देखा जैसे इनको तो रैश हो गई है। और या वेट टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, अभी स्किन केयर है, उसके बाद हेयर केयर आएगा। मेकअप नहीं हमने करके दिखा रहा, हेयर केयर। अमा ये मेकअप शेकअप में ना होता है कि वो तो चीजें हैं ना जो मुंह पे लगानी है, ये तो है ना असल बात, कि आप असल स्किन को असल फिर क्या रहा? असल फिर क्या रहा? असल फिर ई ऑयल रहा, ई ऑयल रहा और मलाई और लेमन रहा। मलाई और लेमन हमने ट्राई नहीं किया तो हम नहीं वो बोल सकते। अच्छा तो फिर ये, लेकिन ये रहा ई ऑयल रहा, करती हूँ इस्तेमाल। और क्या रहा? और कुछ भी रहा मुंह धो? आई थिंक सन ब्लॉक भी एक हद तक, लेकिन हर किस्म का जो मर्जी ले लो सन ब्लॉक नहीं। चाहे पिछले दिन नहीं, हम वो नहीं पिछली गली में बना हो जाए वो भी ले लो। नहीं लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है मेरे साथ के, मतलब ना आपके पास मेरे लिए कुछ है शेयर करने के लिए, बस कुछ नहीं। आप लोग को इस वीडियो से यकीनन कोई फायदा नहीं होगा, बस आपको ये समझ आई होगी कि स्किन केयर करनी चाहिए लेकिन हमें नहीं फॉलो करना चाहिए। हमें नहीं फॉलो करें बेटा, ये दरवाजा ही खोल दो, थोड़ी लाइट ही मुंह पे आ जाती है, घबराहट हो गई, घबराहट हो गई। ये अब खुलो 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 खुलो, क्या देखा लग रहा है कि अब स्किन यो हो बेटा, मेरी तो ये आँख ही कानी हो गई, देखो तो यहाँ लाइट ही नहीं पड़ रही। आपकी लाइट ठीक करो अब लग रहा है स्किन केयर हुआ। ओके गाइस प्लीज डू वॉच अदर वीडियोज ऑफ स्किन, अदर वीडियोज ऑफ स्किन केयर जहाँ पे लोग अच्छा स्किन केयर करते हैं, एंड सजेस्ट इन द कॉमेंट कि हमें और क्या शूट करना चाहिए, और ये भी सजेस्ट करें कि स्किन केयर में क्या यूज करें। हाँ, ये भी हमें सजेस्ट करें, हमें सजेस्ट करें कि हम क्या, इससे मेरा ये ऐसे हो जाए। ओके गाइस सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।